अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर गाड़ी चलाने की बारीकियों को अच्छे से जानते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पाना आपके लिए बेहद आसान हो सकता है। देखिए, आपने अगर बिना किसी गलती के टेस्ट पास कर लिया तो आपको आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लाडोसराय टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेटेड होते ही अब दिल्ली में सभी टेस्ट सेंटर पर कंप्यूटराइज टेस्ट की व्यवस्था हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एट फॉर्मेशन में जाएंगे हम लोग। एट फॉर्मेशन में यानी कि आठ बनाएंगे। अगर आप में बेहतर ड्राइविंग स्किल हैं, आप गाड़ी चलाने की बारीकियों से अच्छे से वाकिफ हैं, तो दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इधर उधर भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में अब ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुका है। मतलब ये कि इसमें किसी भी तरह की मानवीय दखल नहीं होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है। आप टेस्ट पास कीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस पाने के हकदार बन जाइए। दिल्ली में अब 100% कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था हो गई है। लाडोसराय ट्रैक के ऑटोमेटेड होने के बाद अब यहाँ 16 ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे बाकी दिल्ली के अंदर टेस्ट ट्रैक हैं, वो एक तो लर्नर लाइसेंस लेने के बाद अपनी ऑनलाइन स्लॉट लेते हैं, और आज की डेट में वो हमारी एक सेवा मुहैया कराई गई जिसके तहत लोग किसी भी जगह पे, जो चाहे वो घर के पास हो चाहे दफ्तर के पास हो, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेस्ट के दौरान आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको रिवर्स एस पूरा करके दिखाना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर रिवर्स एस बनने जा रही है। ये पहला, सबसे पहला बैरियर है जिसको आपको क्रॉस करना है। इसके बाद आठ फॉर्मेशन का नंबर आएगा। ये देखिए, क्रॉस एट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पर, पूरा एट बन रहा है। आगे ट्रैफिक जंक्शन की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या है, जिगजैग हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, जिगजैग निकाल रहे हैं हम लोग। इसके बाद रेड लाइट पर रुकना और फिर लाइट के ग्रीन होने पर मूव करना होगा, और उसके बाद पैरेलल पार्किंग पहुंचना होगा। अब ये चौथा पैरेलल पार्किंग है, हमको पैरेलल पार्किंग करके दिखानी है यहाँ पर। आगे स्लोप की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसे पार करने के साथ ही रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया, दिल्ली में जितने भी अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उसमें अब 100% कंप्यूटराइज टेस्टिंग है। देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। दिल्ली अब 100% कंप्यूटराइज टेस्टिंग करता है। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग में अब एंटर कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ी कार पे चला रहे हैं, अब वो हमें पूरा इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि वो पूरे फुली ट्रेंड हैं। साफ है कि फुल ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के कई फायदे होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल देश में 1.5 लाख लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है। ऐसे में मारुति और दिल्ली सरकार के जरिए शुरू किया गया ये इनिशिएटिव बहुत ही काम का है, और इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में एक्सीडेंट की संख्या में कमी देखने को मिले। हर्ष वर्मा, GNT दिल्ली।